हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी मैं हूँ मोरजिम गोवा। तो मैं कल आया था मापसा एयरपोर्ट से, और क्योंकि मेरी यहाँ सिस्टर रहती है, तो आज मेरा ये गोवा में एक तरह से फर्स्ट डे घूमने के लिए। कल काफ़ी लेट हो गया था आते आते, तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया एयरपोर्ट में। तो अभी मैं हूँ मोरजिम बीच, और दोस्तों इस टाइम ऑलमोस्ट 35 डिग्री टेम्परेचर है, बट बीच में आके इतना अच्छा लगता है, आप सारी गर्मी भूल जाते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मोरजिम बीच। अभी दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन ये यहाँ पर पूरा ठंडा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर गर्म है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और पानी का जो फ्लो है बहुत फास्ट हो रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा सीज़न बारिश का है। तो टाइड्स देखिए, बहुत हाई टाइड्स है ये। और दोस्तों ये जो मोरजिम का बीच है, ये मोरजिम अंजुना सारे बीच एक साथ है, कम से कम 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो ये वॉक है। तो अगर शाम को आता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी देखिए कितना सुंदर और साफ सुथरा, और टाइट्स देखिए कितनी हाई टाइट्स है देखिए। तो ये है मोरजिम, गोवा का सबसे खास बीच, और इसको आप साफ बीच भी बोल सकते हैं, बहुत साफ है ये। अगर आप बात करें कैलंगूट की, वहाँ से बहुत क्लीन है ये बीच। और दोस्तों अगर आप मापसा सियोलिम के आसपास कहीं स्टे कर रहे हैं और आपको स्कूटी चाहिए, तो अभी जहाँ से मैंने स्कूटी ली है तो उसका मुझे कुछ 300 रुपीज़ चार्ज हुआ है, क्योंकि अभी ये ऑफ सीज़न चल रहा है। वैसे अभी गोवा में कोई ऑफ सीज़न नहीं है, सीज़न तो सब बराबर ही हो गए, लेकिन फिर भी कुछ जगह है जहाँ पर 600-700 आपसे डिमांड कर लेते हैं। बट अभी मैं जो आपको डिटेल्स सारे लिंक कर दूंगा, जहाँ से मैंने स्कूटी ली है बहुत अच्छी सर्विस है, और मैंने पहले भी ली थी उनसे सर्विस, तब भी उन्होंने उतना ही चार्ज किया था 300 रुपये। तो आप नंबर्स वगैरह शेयर करूँगा। अगर आप गोवा आते हैं इस साइड, मोरजिम साइड, या फिर मापुसा साइड, या सियोलिम साइड, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीच की सबसे खास बात यह कि आप कितना भी यहां पर वॉक कर ले, आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखिए, पानी में चलते हैं और ठंडक को महसूस करते हैं। और दोस्तों टाइमिंग की बात करूं तो आप एकदम अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं, जैसे 6-7 बजे 8 बजे भी, यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत सही रहता है इस टाइम बीच के आसपास, इतनी गर्मी नहीं लग रही। अभी मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में तो ऑलमोस्ट 45 का टेम्परेचर है, आपको पता ही होगा। तो इस टाइम यहाँ पर 35-30, और बीच के पास तो कम ही टेम्परेचर रहता है। और शाम को अगर आप 4 बजे के बाद आएंगे तो टेम्परेचर यहाँ बहुत औसम हो जाएगा। लेकिन सब गोवा की सबसे ख़राब चीज़ लगती है यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है, बहुत हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। दोस्तों एक और छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ, और यह आपके काम भी आएगी। कभी भी आप गोवा आते हैं और जो सैंडल्स होते हैं, जो सिंगल खुले वाले होते हैं, वो वाले मत पहनिए, ऐसे वाले पहनिए जैसे कि क्रॉक्स, जो ये कवर्ड होते हैं ये वाले। आप सोच रहे हो कि मैं इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्या मतलब क्या रखा है, लेकिन दोस्तों जब आप ऐसे वाले जो मैंने दिखाया है ऐसे वाले सैंडल्स पहनते हैं, तो बीच में वॉक करने में बहुत ईजी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और आराम से आपको पैर उड़ जाता है। अदरवाइज़ फिर आपको अगर आप चप्पल लेके आते हैं, आपको फिर ढूंढना पड़ता है कि मैं चप्पल ले सकता हूँ। बट दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत लोगों के काम आ सकती है, और सच बता रहा हूँ इतना अच्छा लग रहा है बीच में आके। दिल्ली में था मैं अभी, इतना गर्म मौसम था, तो बाय गॉड ग्रेस सिस्टर का घर है यहाँ पर, तो मेरा ऑब्वियसली होटल का खाने पीने का खर्चा तो टेंशन नहीं है। बट अगर आप गोवा आते हैं तो दोस्तों गोवा बहुत बड़ा है, एक नॉर्थ गोवा साउथ गोवा आपको पता ही है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आप गोवा कभी भी आते हैं तो सबसे पहले जो आप बीच आपको जाना हो, तो जो मोरजिम अंजुना का बेल्ट है
ये बीच का बेल्ट है, यहाँ आसपास कहीं स्टे कीजिएगा। और मापसा मोपा एयरपोर्ट जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इसके नियर बाय है। डबलिन एयरपोर्ट जो है वो दूसरा वाला जो पहले वाला एयरपोर्ट है वो बहुत दूर है। तो अगर आप गोवा फर्स्ट टाइम आते हैं और आपको अच्छा बीच चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, तो मोपा एयरपोर्ट के आसपास, मोपा एयरपोर्ट से आइए और मोरजिम अंजुना बीच के आसपास स्टे कीजिए। बाकी स्कूटी कैसे ले, कहाँ से ले, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा। पिकअप ड्रॉप दोनों के ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होते हैं। और ये आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गोवा में और जितना दिन स्पेंड करूँगा आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। लास्ट टाइम मैं आया था लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए आया था, तो इस बार थोड़ा लॉन्गर स्टे है और जितना हो सकेगा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा। देखिए दोस्तों, इट जस्ट नॉट कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के साथ साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, ज़रूरी हो। और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक चीज़ मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत बहुत ज़रूरी है। आप वो आते हैं तो एक अच्छा सनस्क्रीन बहुत बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी स्किन जब आप अपने शहर जाएंगे वापस तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन में पहले की स्किन में कितना डिफरेंस है। तो एक अच्छा सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।